सो गाइस, मैं अनुराग, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं कोलेबीरा। बड़े बड़े शहरों के रथ पूजा तो हम लोग अक्सर देखते हैं, आज गांव का रथ पूजा देखते हैं गांव में कैसा होता है। फिलहाल हम लोग पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो ये बहुत पहाड़, यहाँ का जो पानी है सूख गया। देखो यहाँ पे लग चुकी है गाड़ी हमारी और अब हम लोग चलें रथ के मेले में शामिल होने के लिए। भगवान बलभद्र जी और सुभद्रा जी यहाँ से सर पे लेके आते हैं और फिर रथ में बैठाकर आगे जाया जाता है। देखो ये है भंवर पहाड़ और इसी के नाम पर इस जगह का नाम भंवर पहाड़ पड़ा। बड़े बड़े भंवरे का छत्ता है ऊपर और ये है खजूर का पेड़ दोनों साइड। क्या मस्त व्यू आ रहा है। हम लोग आज जा रहे हैं ऊपर जितना दूर तक सकेंगे, अभी रथ निकलने में टाइम है तो चलते हैं ऊपर। देखो छत्ता, इतना ऊंचा पहाड़ पे देखो, कल के आंधी में पेड़ गिरा है। रथ निकलने की तैयारी हो गई है और हम लोग तो इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और यहाँ पे कितना घना जंगल है। पहाड़ ऐसा है और जंगल, और इसके ठीक नीचे भौरों का कई सारा सैकड़ों में छत्ते हैं। और सामने देख रहे हो डैम, कोलेबीरा कॉलेज के पीछे वाला डैम। बड़े बड़े शहरों के रथ पूजा तो हम लोग अक्सर देखते हैं, आज गांव का रथ पूजा देखते हैं गांव में कैसा होता है। फिलहाल हम लोग पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पहाड़ से उतर चुके हैं और अब चल रहे हैं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। अकेले आप लोग ने इधर आने का कोशिश मत करना, ग्रुप में आओ तब कोई दिक्कत नहीं है।
रथ निकल चुका है शहर की ओर और अभी ये सारे लोग जा रहे हैं रथ के साथ साथ मेले की तरफ। यहाँ से रथ बानो मोड़ से होकर मौसीबाड़ी की ओर जा रहा है। तो मुड़मा मेला टाइप का भीड़ है यार। तो हम लोग आ चुके हैं रथ मेला कोलेबीरा, भीड़ देख लो। तो अभी बजा है शाम का 5:30 और हम लोग हैं कोलेबीरा का रथ मेला अभी नहीं, ये बात बहुत देरी कर दिया जाने में। शाम के 5:30 में हम लोग हैं कोलेबीरा मेला में, भीड़ है। तो जो थाना के सामने चकनाका के सामने जो मेला लगा था वहाँ तो हम लोग घूम लिए और अभी चल रहे हैं बानर रोड में जो मेला लगा है वहाँ पे। देखते हैं यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, पैर रखने का जगह नहीं, वहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। 10 दिन का मेला है और भूर्ती रस 10 दिन होता है, उसका अगला दिन मतलब लास्ट होता है इस तरह तो 29-30 तारीख तक होगा, मतलब आस पास में हो या दूर के भी आ सकते हो, बहुत भीड़ हो रहा है। ये है बानर रोड वाला मेला। रांची रोड वाला मेला में काफी भीड़ है और यहाँ तो उतना खास उतना भीड़ नहीं लग रहा है। 10 दिन का मेला है। सर्कस है लेकिन अभी तक लगा नहीं है, आज कंप्लीट हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा सर्कस। यहाँ कुछ बच्चे लोग का एडवेंचर वाला है। हर एक माल 25 रुपये। यह था गांव का रथ यात्रा और साथ में रथ मेला। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। यहाँ पे लाल मिठाई खरीदा जा रहा है।